गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल लर्न एट होम विद नीतूकरण, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे संडे स्पेशल क्विज क्लास 10 लेसन नंबर 2 फ्रॉम ज्योग्राफी। लेसन का नाम है वन और वन्यजीव संसाधन। प्यारे बच्चों, आज आप अपने टीचर खुद हैं, अपना टेस्ट खुद ही चेक करेंगे। हाँ, लेकिन जितने मार्क्स आए ये आपने अपने टीचर को जरूर बताना है। तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट की ओर। पहला क्वेश्चन है, लेपचा क्या है? ये क्वेश्चन है, इसकी चार ऑप्शंस होंगी, उसमें से जो सही आंसर है वो आपने चुनकर अपनी कॉपी पर नोट करना है और वीडियो के एंड में हम आपको सही आंसर बताएंगे, उससे मैच करना है। ऑप्शंस हैं, एक लोक काव्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य या फिर एक लोक गाथा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त वन प्रबंधन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अर्थात JFM के कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस हैं 1988, 1972, 1973 या फिर 1991। टाइम बिगिंस नाउ। हैव यू नोट डाउन? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसलों का उत्पादन संभव है, किस आंदोलन ने साबित किया? ऑप्शंस हैं, चिपको आंदोलन, प्रोजेक्ट टाइगर, नवदान्य आंदोलन या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शंस हैं, चिपको आंदोलन, प्रोजेक्ट टाइगर, नवदान्य आंदोलन या फिर ऊपरले तीनों या सभी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही आंसर लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र की दो प्रसिद्ध जनजातियों के नाम बताएं। बिश्नोई समाज, बंजारा समुदाय, खोखर जनजाति या फिर मुंडा व संथाल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपने आंसर लिख लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस हैं 1975, 1972, 1988, 1973। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपने नोट कर लिया होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। टाइम बिगिंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र को पहचान कर उसकी श्रेणी बताएं। चित्र है ये वाला। ऑप्शंस हैं संकटग्रस्त, लुप्त जाति, सामान्य जाति या फिर सुबेर जाति। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हुबडरिया हेप्टान्यूरन क्या है? ऑप्शंस हैं जंगली फूल, महुआ की किस्म, घास की एक प्रजाति या फिर पहाड़ी पेड़। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, आपने आंसर लिख लिया होगा कि हुबर्डिया नेप्टान्यूरन क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की लगभग कितने पादप जातियों के लुप्त होने का खतरा है? ऑप्शंस हैं 1589 यानी कि 89, 44 या फिर 15। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही आंसर आपने चुन लिया होगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर
टेन, इस स्थानिक जाति के पक्षी का नाम बताएं। चित्र देखिए ध्यान से और बताइए कि इतना मनमोहक, इतना सुंदर जो पक्षी आप देख रही हैं, ये कहाँ का हो सकता है, ये स्थानिक जाति के तौर पर इसका क्या नाम है। ऑप्शन है अंडेमानी टील, निकोबारी कबूतर, अरुणाचली मिथुन या इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। तो आपने आंसर सुन लिया होगा प्यारे बच्चों। इसके साथ ही हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब समय है आंसर मिलाने का। इस लेसन से रिलेटेड दोनों वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अगर चाहें तो वहां से जाकर इस लेसन की वीडियोस देखकर आप लेसन को समझ सकते हैं और वहां से भी जाकर आप इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आंसर्स की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन था कि लेप्चा क्या है, एक लोक काव्य, लोक संगीत, लोक नाट्य या लोक गाथा। आंसर है एक लोक संगीत, ये पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस लोक संगीत। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वन प्रबंधन के कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई, 1988, 1972, 1973 या फिर 1991। सही आंसर है 1988, जिसमें गांव वाले या वहां के स्थानीय लोग और सरकार मिलकर जो है वन प्रबंधन का कार्यक्रम चलाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसलों का उत्पादन किया जा सकता है और जो आर्थिक रूप से बेहद व्यवहारिक भी है, ये किस आंदोलन ने साबित किया। इसका सही आंसर है नवधान्य आंदोलन। नवधान्य आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन, इन्होंने ये साबित कर दिया कि हमें रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं है कृषि करने के लिए। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्षेत्र की दो प्रसिद्ध जनजातियां, बिश्नोई बंजारा, खोखर या मुंडावा संथाल। इसका सही आंसर है मुंडावा संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, 1975, 72, 88 या 73 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई। उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। सही आंसर है असम, क्योंकि यहीं पर बहुत फेमस एक सींग वाला गैंडा मिलता है। आगे हमने पूछा था कि इस चित्र में जो चित्र दिखाया गया ये कौन सी श्रेणी में आता है, ये गुलाबी सिर वाली बत्तख है बच्चों और ये अब लुप्त हो चुकी है, तो इसलिए लुप्त जाति में या एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुबर्डिया हेप्टान्यूरन क्या है, एक जंगली फूल, महुआ की किस्म, घास की एक प्रजाति या फिर पहाड़ी पेड़। इसका सही आंसर है कि यह एक घास की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लगभग कितने पादर जातियों के लुप्त होने का खतरा है, बहुत सारी, इतना कहते हैं आप समझ रहे होंगे, 1500 पादर जातियां, पादर मतलब पेड़ पौधे, ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है। वैसे तो हमें बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं, जो बहुत पहले लुप्त हो चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्थानिक जाति के पक्षी का नाम बताएं। ध्यान से देखिए इस प्यारे से पक्षी को, इसका नाम क्या हो सकता है, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अरुणाचली मिथुन या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर है निकोबारी कबूतर, ये वहां का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा निकोबार में मिलने वाला कबूतर है। इसके साथ ही हमारा आज का टेस्ट पूरा होता है। आप सबका बेहद बेहद धन्यवाद। ये हमारे स्कूल की एक छात्रा है, हमारे स्कूल के बच्चे योगा में बहुत बहुत अच्छा कार्य करते हैं और कर रहे हैं, तो उन्हीं को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने ये छोटी सी पिक्चर साथ में लगाई है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।